हमारा जो एक मेजर पॉइंट होता है बैच साइज को लिमिटेड रखने का, पहला यही रहता है कि अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है। हाय, माय सेल्फ युक्ति, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद प्लूटस आईएएस एज अ करियर साइकोलॉजिस्ट। So today I'm here to discuss about features of Plutus IAS ki why Plutus IAS is different from other institute. First जो point आपका रहता है Plutus IAS क्यों different है from other institute is कि आपको हम batch size बहुत limited देते हैं. Means कि आपका जो batch size रहेगा वो सिर्फ 45 to 50 ही students का रहता है, जिसमें आपको हम 3 modes भी provide करते हैं. फर्स्ट आपका हो जाता है ऑनलाइन, सेकंड आपका हो जाएगा ऑफलाइन एंड थर्ड आपका हो जाता है हाइब्रिड मोड। ऑनलाइन मीन्स जिसमें आपके प्योर ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस रहती हैं, ऑफलाइन मीन्स आपके क्लासरूम क्लासेस, एंड हाइब्रिड मीन्स जिसमें आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की फैसिलिटीज़ आपके पास रहती हैं। अब ये नहीं कि बैच साइज अगर मैंने आपको 50 बोला है तो उन्हीं 50 लाइक 50 ही स्टूडेंट एक एक बैच में है, नहीं, 50 स्टूडेंट से ही सम ऑफ ऑफलाइन, सम ऑफ ऑनलाइन, सम ऑफ हाइब्रिड। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया लिमिटेड बैच साइज का। दूसरा जो आपका रहता है मेजर पॉइंट जो रहेगा आपका सेकंड, वो रहता है फैकल्टी। आपकी जो Plutus IAS की जो फैकल्टीज हैं उनको प्रॉपर 10 to 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। PhD स्कॉलर है फ्रॉम JNU से, एक्स फैकल्टी रह चुके हैं जामिया से, IIT के हैं आपके सारे प्रॉपर, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एक्स फैकल्टी रह चुके हैं, प्लस आपके इंद्रप्रस्थ कॉलेज के, जाकिर हुसैन कॉलेज के, जामिया के एक्स फैकल्टीज हैं एंड JNU के एक्स फैकल्टीज है। तो जितनी भी आपको फैकल्टीज हम प्रोवाइड करते हैं वो आपकी प्रॉपर परमानेंट फैकल्टी भी रहती है। ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट अगर 12 मंथ्स का कोर्स ले रहा है तो उसमें आफ्टर 6 मंथ्स के बाद उनकी फैकल्टीज चेंज हो रही है, फैकल्टी विल बी परमानेंट। जो आपको फर्स्ट डे में फैकल्टी मिली है वही आपकी जब तक जर्नी चलती है प्रॉपर कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपकी वो फैकल्टी परमानेंट ही रहेंगी आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप के साथ। थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम बैच साइज बहुत लिमिटेड रखते हैं 45 टू 50 स्टूडेंट्स का, हमारा जो एक मेजर पॉइंट होता है बैच साइज को लिमिटेड रखने का, पहला यही रहता है कि अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो उसका ये ना हो कि उसको गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए इधर उधर कहीं जाना पड़े। इवन कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी बच्चा इधर उधर जा रहा है। आपका जो बहुत मेन फोकस जो रहता है हमारा जो स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि उनको 1-to-1 डाउट सेशन प्रोवाइड किया जाता है विद कंसर्न फैकल्टी के साथ। फॉर एग्जांपल मैं ही एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, मैंने एडमिशन लिया, मेरे को अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है तो ऑब्वियस है कि मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी जिसने मुझे पढ़ाया है। ये नहीं कि पढ़ाने वाली मैं हूँ या कोई और है और डाउट्स के लिए कोई और है, टेस्ट के लिए कोई और है। तो हम स्टूडेंट को पर्सनल 1-to-1 डाउट सेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपका सैटरडे बेसिस में भी रहेगा। प्लस ऐसे नहीं कि मंडे को कोई डाउट है तो सैटरडे तक का प्रॉपर वेट कर रहे हो, आपको कोई डाउट है आप सैटरडे पूछो, 1-to-1 डाउट सेशन है आपके पास है, आराम से उसको पूछो। बट अगर ये है कि अर्जेंट डाउट सेशंस हैं कि हाँ यार ये पॉइंट अभी तक क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे कैसे ही उसको करूँगा, तो आप अर्जेंट इमीडिएट डाउट सेशन भी ले सकते हो विद कंसर्न फैकल्टी के साथ। तो ये तो हो गए आपके 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट जो आपका रहता है कि हम प्रॉपर आपको वर्कशॉप, मोटिवेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स। फॉर एग्जांपल आपने 12 मंथ्स का ही कोर्स लिया है, उसमें देखो UPSC एक ऐसी प्रिपरेशन है ना जिसमें आप मोटिवेट आपको अपने आप को ना डेली बेसिस में खुद को करना पड़ता है। तो इसलिए ही हम स्टूडेंट को मंथली बेसिस में आपका हो गया मोटिवेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट मोटिवेटेड रहे, उसको ये ना रहे कि यार कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो जो आपका रहता है मोटिवेशनल वर्कशॉप स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट टू यू।